मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का और मदीना को बहुत पाक और पवित्र माना जाता है। मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा को हज यात्रा कहते हैं। प्रत्येक मुस्लिम वर्ग अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा पर जाना ही चाहता है, जहां जाना हर उस मुस्लिम इंसान के लिए ज़रूरी होता है जो शारीरिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत होता है। जिसको लेकर रविवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैंपस में इस वर्ष हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को हज यात्रा में आने वाली समस्याओं और उसके उपाय की ट्रेनिंग हाजी एम अंसारी एवं डॉक्टर अजीजुद्दीन के द्वारा दी गई। हज यात्रा पर जाने वालों को जानकारी देते हुए ट्रेनर ने कहा कि हज पर जाने से पहले सभी दुआ एवं वहां के रीति रिवाज पूरी तरह से समझ लें और उसे बार बार दोहरा लें ताकि गलती ना हो। इस दौरान गोरखपुर शहर से हज पर जाने वाले पुरुष और औरतों को भी ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर खालिद शमीम, डॉक्टर मतीउल्ला, समीउल्ला, मोहम्मद परवेज लारी, सादिक सहित अन्य मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बदरुद्दीन व हाजी सादिक अली खान ने कहा, ना अपनी इसकी कुर्बानी करेंगे, शुक्राने हैरान के कोई बकरा लेके खुद भी कर सकते हैं करवा सकते होगा। और अगर सदकाए जमीन में करे, अब अगर इसमें कोई कंप्यूटर बने की जगह कोई आदमी नौजवान बन बदरुद्दीन। ट्रेनिंग में माशाल्लाह साहब ट्रेनर हैं और ये बहुत से हज कर चुके हैं। बहुत से हज करने के बाद भी बहुत सी बातें बारीकी नहीं मालूम होती है। हज में कौन कौन सी बारीकियां हैं उन बारीकियों को बता रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अमल करें ताकि हज कायदे हो सके। मेरा नाम है हाजी सादिक अली खान। आज नए हाजियों को दी जा रही है जो जहाँ यहाँ से मक्का और मदीना जा रहे हैं हज करने के लिए, और उनको सही तरीके से हज मुकम्मल करने के लिए सारी सहूलियत कैसे होगी, कैसे जाना, कैसे आना, क्या क्या करना, क्या नहीं करना, वो सब जानकारी हमारे हाज अलहाज मशरुल्लाह साहब एक्स आरटीओ यहाँ दे रहे हैं। क्योंकि चाहे लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, उनको किस किस तरीके से जानना है, उठना है, बैठना है, कितनी कुर्बानियाँ करनी, कुर्बानी कहीं जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ये सब बताने के लिए यहाँ बताया जा रहा है।